बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम नदीम अब्बास है, तुसी वेखदे पे रुचि हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। तो अज की साड़ी वीडियो का टॉपिक यह वे कि जिहड़ियां गड्डियां गैस ते स्टार्टिंग ही थोड़ा जिहा मसला कर रही ने, सर्दी की वजह से भी उहदा मसला बन सकता है, तो उस तो बाद गैस की सैटिंग का भी जिहड़ा ना वो मसला बनता है, जिहदी वजह तो गड्डी जिहड़ी स्टार्ट बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सलब लैंदी है, तो स्टार्टिंग भी जिहड़ी प्रॉब्लम कर रही है। तो अक्सर लोग जो कमेंट्स भी कर रहे हैं थले वीडियो के जोड़े जिन्होंने समझ नहीं आ रही उन्होंने वास्ते भी है जी एक डिटेल वीडियो है कि जिन्हों की गड्डी की स्टार्टिंग लम्मी है या जी गड्डी चौक दे के स्टार्ट होंगी है उन्होंने वास्ते भी यह वीडियो है। तो वीडियो में पूरा वेख्या जे, वीडियो में लाइक शेयर कर दो, चैनल में सबसक्राइब कर दो। तो जोड़े मेरे पहले सबसक्राइबर ने उन्होंने बड़ी मेहरबानी कि जोड़े बकायदा तौर पर मेरे वीडियो वेंदे ने, तो जोड़े नवे दोस्त आए हैं वह भी वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, तो चैनल में सबसक्राइब कर लो ता कि जी मेरी अगू नवी वीडियो आने वाली है वो थोड़े तक बर वक्त पहुँच सके ते तुसी उहदे तों कोई फायदा लै सको। ठीक है, तो आज हूँ जरा रिक्शे कोल चलीए, तो रिक्शे कोल जाके तो फिर अपना तुहानू वहाने कि सैटिंग तुसी किस तरीके दे नाल तुहां करनी है, अपनी एवरेज गैस जी ना वो तुसां किस तरीके दे नाल मैनेज करनी है। तो आज हूँ रिक्शे कोल चलीए, टाइम नहीं लाया करते असीं तुहाडा जी। ए साडे अंकल रिने ते इह इहनां दी गड्डी नूं जे मसला बणिया सी इह तुहानू बताते खुद आप ही दसदे ने कि मेरी गड्डी नूं की मसला सी ते की प्रॉब्लम बनी है, तो असी वो मसला इन्हों का जरा हल भी करने तो विखाने भी हाँ कि वह किवें हल होना है, तो किस तरीके जरा मसला दरपेश आता है। तो अंकल जी तुम कि जगह तू आए हो? जितके चट्टे। जितके चट्टे तू आए हो जी? ठीक है, यह इन्हों की गड्डी है, वेख सकते हो सी एन जी 6 सीटर रिक्शा है रोड प्रिंस। ठीक है, तो इन्हों की गड्डी के गैसकेट लगी है नवी जी इन्ह लवाई है। ठीक है, वेख सकते हो नवी गैसकेट लवाई है ना, तो पर असी यह नहीं किट लाई क्योंकि असी इस जगह पर इस साइड पर किट नहीं लाते, वो ये भी एक वजह है क्योंकि गैस जी किसी किस्म की लीकेज जदू होनी है किट किट लीक हो सकती है, कोई कलंप लीक हो सकता है, तो इस साइड पर किट जी वो नहीं लानी चाहिए। वो वजह यह वे कि इस साइड पर वायरिंग सारी इधर है, तो वह वायरिंग की वजह तो कोई स्पार्क जरी भी हो गया या गैस की लीकेज हो गई तो गड्डी नूं अग भी पै सकती है, अग लग सकती है। ठीक है, साडे कोल जिन्नियां भी किटां लगदियां ने या जिहड़ी भी असीं किट लाने आ उसी इस साइड ते किट लाने आ इस जगह ते, क्योंकि इस जगह ते वेख सकदे हो कोई तार नहीं है, कोई किसी किस्म की इत्थे हीट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यह इंजन के उत्ते बिल्कुल किट लगी है जिहदी वजह तों इह जो इंजन हीट करता है उदों भी इक कलंप लीक हो सकता, कलंप पोला हो सकता या किट का कोई पर्दा लीक हो जाए, गैस लीक हो सकती है जिहदी वजह तों स्पार्क करके तो गड्डी नूं अग भी लग सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, जिते भी लग गई किट उहदा सानूं मसला नहीं, असीं इहदा इहदी स्टार्टिंग का मसला हल करना। तो वह दसो जी की इहनूं मसला बणिया जी किट नूं? स्टार्ट हुंदी है बंद हो जांदी, स्टार्ट हुंदी बंद हो जांदी, स्टार्ट हुंदी है बंद हो जांदी है। तो मिसिंग किन्नी कु कर रही है? मिसिंग इन्नी कु करदी, ठा ठा दी आवाज आउंदी है जी। ठीक है, पटाके चलदे ने, सही है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਕਿ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ? ਬਗੈਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਲਫ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੰਬਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਲੈਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੋਬਲੈਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡਾ ਪੈਪ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਮ ਕਰਦਾ, ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਆਵੇ, ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਚੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
पैप लग्या जरा सुराख एना को करना। मेरे कुछ सबसक्राइबर जड़े ना वो मकैनिक भी ने ठीक है, तो कुछ गलत भी आते हैं तो कुछ सही भी आते हैं, उन्होंने मेहरबानी जो गलत भी आते हैं उन्होंने भी मेहरबानी, तो जो सही आते हैं उन्होंने भी मेहरबानी ठीक है। एयर क्लीनर ने ठीक है, यह तेल वाला एयर क्लीनर होंगे ये अगे ये बोतल लगती है, दूसरा एयर क्लीनर हो जरा सुा हों के बोतल लाने की जरूरत नहीं होंगी क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता ठीक है। ये अगे जी बोतल लगती है ब्रेक ऑयल वाली कुप्पी है, तो यू जरा सुराख अं करने ना यह थोड़ा जहा वा है सुराख ठीक है। इनू जरा सुराख अं करने सुराख सिर्फ इन्ना को होंगे कि जरा जिदे जरा दस नंबर काबल है वो बिल्कुल जरा ना वो लग जाए ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जरा दस नंबर का काबल है जरा वो ये लग जाए इन्ना को जरा ना उस सुराख कराया करो ठीक है। उस तो बाद पावर डी है ठीक है, इस चीज़ को आने स्लो मिचर ठीक है, स्लो मिचर इन आने स्लो मिचर ठीक है। यह जी है ये पावर टी है, उस तो बाद जरा बटन जो काला जहा लगा है यह जरा बटन है ये चौक का बटन होंगे ठीक है, गड्डिया जी नहीं भी स्टार्ट होंगे माड़ी जी चौक दौ गड्डी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाती है ठीक है। उस तो बाद जरा पैप है यह ब्रेक पैप हों वैकम वाला पैप हों ठीक है, यहाँ चैक करने का तरीका यह होंगे कि जिस टाइम थोड़ी गड्डी का कोई मसला बनता स्टार्टिंग का मसला बनता या किट की लीकेज होंगी है सारों पहलू तुम इस पैप में चैक करना है ठीक है। ये मूँह के नाल हवा देनी है तो वेखना कि हवा मतलब कि जा रही अंदर जा रही है तो या कि डकी गई है, जे डकी जाती है हवा तो फिर वह समझो कि थोड़ी किट ठीक है ठीक है, तो जे मतलब कि हवा नहीं डकी जा रही मतलब सीधी लग लगती जाती है पी तो वो थोड़ा पर्दा छोटा पर्दा ठीक है वह लीक हो गया ठीक है। इनू तुम इस जगह पर ला दो, जेडे बंदे नवी बदाते दाब किट लाना चाहते हैं वह भी ला सकते हैं ठीक है। एडी पावर टी वाला पैप है ठीक है, मेन पैप ये गैस जी ना वो आती है ठीक है, ये तुम इस जगह पर सुराख करके ठीक है इस जगह पर भी ला सकते हो। तो यह जरा वैकम वाला पैप है यू जी कारपेट की हड्डी होंगी अगले पास यू इतने सुराख मार के हट्टियाँ तुम्हें नहीं लभ रही, मैं इस वास्ते आ रहा इतने सुराख मारो तो पिछे इंजे सीधा सीधा पैप लगा दौ ठीक है। यह जरा इनू इतने सुराख मारो इनू थोड़ा जहा सुराख मार के इनू लगा दौ उ थोड़ी जी मैजिक ला दौ तो फिर भी कम चल जाता है ठीक है। फिलहाल साडा टॉपिक ये कि गड्डी जी नस्ल ज़्यादा लेंदी है तो स्लो नहीं खलोंदी भी तो मिसिंग कर रही है ठा ठा कर रही है ठीक है जी। तो ये हाले का असी कर लिया है ठीक है, एक तो यह जरा स्लो मिचर से ना ये बहुत ज़्यादा टैट सी, जो ये ज़्यादा टैट होना गैस की जी सर्कुलेशन वो घट जानी है तो वो वजह के नाल भी जी गड्डी जी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है ठीक है। दूसरे नंबर पर यह जी गैस है ये थोड़ी ज़्यादा भी खुली होएगी तो फिर भी गड्डी थोड़ी मिसिंग करेगी प्रॉब्लम करेगी ठीक है, जे गैस तुसें ज़्यादा यदि कुटी होएगी ज़्यादा बंद की होएगी फिर भी गड्डी थोड़ी मिसिंग करेगी तो स्टार्टिंग मसला करेगी ठीक है। जो थोड़ी गड्डी की स्टार्टिंग का मसला बनता है उदू सिर्फ और सिर्फ तुम चैक की करना है, चैक का एयर क्लीनर का सुराख चैक करना कि कितना कोई खुलिया है। दूसरे नंबर से यदि पावर टी है ये तुम गैस घटा वधा के चैक करनी है। तीसरे नंबर पर जो थोड़ी गड्डी स्लो नहीं खलो रही तो इस चीज़ को तुम चेक करना है कि यह कितना कु ज़्यादा टाइट है तो कितना कु ज़्यादा खुला, क्यों इनू जो तुम गड्डी स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा इनू खोलना तो चेक कर लेना। कई गड्डिया के जो स्प्रिंग होंगे ने वो बहुत ज़्यादा टाइट होंगे ने तो वजह जो चिमटा होंगे क्योंकि चिमटा छोटा जहा चिमटा तो वह वर्क नहीं करता सही ठीक है। अज की वीडियो साड़ी का टॉपिक यही थी, तो वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो में लाइक शेयर कर दियो, चैनल में सब्सक्राइब कर दियो। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।